हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं आपका होस्ट कम दोस्त मोहम्मद इस फिर वापस आ चुका हूं। मैं मुझे इंट्रो करा दो शुरू आ यार, इज्जत मेरी इधर कोई भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी साडे लिए काम कर रहे हैं यार। मेनू कोई इंटरेस्ट ही नहीं भाई, मेनू जिन्ने जलील करदे ने मेनू पता यार, लेकिन लेकिन यार मैं मेनू है यार एक पे है, मैं हवादार हो गया। नहीं क्या यार, मतलब मैं अब क्या व्लॉग में आपको कहूँ, ठंड लग रही है तो आपको अब ठंड से ठरक जा रही है, वो भी बच्चों पे। और दो में गर्मी बढ़ी है, उनमें ठंड बढ़ी है, लिए आप इनका ये मिक्सचर बनता है। आपने इसे देखा नहीं है जब ये नहा रहा होता है, कल लगा था जब ये दौड़ा होता है ना, तो चीजें आज मैंने सारा इंतजाम किया। चलो यार हम निकलने लगे हैं, पता नहीं कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा, तो अब हम नीचे जाके मिलते हैं आपको, अल्लाह हाफिज़ ब्रो। अच्छा यार गाइस, सारा मूड फक हुआ पर है, हमारी बाइक के पंचर निकल आए हैं, पर्ची के पैसे नहीं हैं, फैजी पे निकलवाने गए हैं, क्या कहते हैं पैसे, अब वो जा रहे हैं पता नहीं कोई ऐसे ही सीनेमा, उधर जाके आपको बताऊंगा। भाई अच्छा एक मिनट, मुझे एक बात था, ये तूने कौन चीज़ का पंचर लेना? वो कल याद नहीं था मैंने नाश्ते का, तुमने नाश्ते में कल पैसे दिए? हाँ कब, हमें पता ही नहीं ना कर। चलो वो आते हैं ना, मेरी शक्ल को इग्नोर करना, मेरे बिल्कुल शूज टूट चुके हैं, पता नहीं मेरा भाई पहन के गया था, मैंने देखे देखे मैं पहने हैं तो टूटे हुए हैं, तो अब वो आते हैं पर्ची, इनको पर्ची के पैसे पकड़ाने हैं, अब और वो पता नहीं यार जो भी है ना उधर जाकर मिलता है ना। अच्छा यार गाइस हम पहुंच गए हैं, आज वाम ज्यादा हुई है, वट्टे वट्टा भाई किसी ने नहीं मारना, वट्टा ना भाई मारे। चलो यार गेम, जैसी गेम शुरू होती है ना हम आपको बताते हैं, ठीक है मोहिस ये व्लॉग कर, मैं बोल कराता हूँ, मुझे बोल तो करा, ये बोल एक बॉल बस, एक बॉल तू में लगता हो ना, चलो दे बैटिंग वाली साइड पे आ जा यार, फील्डिंग हमारी। अच्छा उन्हें नहीं पता है कि मेरी टीम है बैटिंग वाली साइड पे, मैं चल देखो टोपी रखवा के बच्चा बने। वेलकम बैक अनदर व्लॉग भाई जान, तो मैं आउट होके फ्रेश फ्रेश आउट होके एम्पायर में खड़ा हुआ हूँ, तो ये आज हमारे साथ न्यू मेंबर है, एक ये है कासिम भाई और वो दूसरे मोहित भाई बैठे हैं कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे। तो आज आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जो सारे दोस्त हैं वो सारे हैं भाईजान यूनिवर्सिटी के, और बाकी ये सारे हैं ऑफिस से अलग अलग, तो यूनिवर्सिटी वालों की क्लास अलग है टीम और के हमारी अलग टीम है, तो इंशाल्लाह आगे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग व्यूज आपको दिखाता हूँ। ये छक्का बड़ा जी बच्ची जी, देखे ये हमारे पावे भाई ने मारा छक्का अभी फ्रेश फ्रेश, तो भाईजान मैं चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं, उस साइड बैक कैमरा यूज करके अभी फिलहाल फ्रंट फैमिली। क्या छूट गया भाईजान, क्या छूट गया, लेकिन आज इनकी टीम में बहुत ही ज्यादा मुझे वो एनर्जी दिखने को मिल रही है, एक स्पिरिट है जो इन्हें साथ जोड़े रख रहा है, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी दिखाते हैं जी। ये ले, ये यहाँ पे सिंगल ले सकता है, लेकिन पावा हमारा एक बैट्समैन बारी कुट है तो वो सिंगल नहीं लेता। ये देखें ये भाईजान हैरी बॉल करवा रहा है, क्या कहने, ये देखो उस्मान वेट कर रहा है कि बॉल खुद ही हाथों में आएगी, लेकिन नहीं पकड़नी पड़ती है। ये असद है, ये असद ने बड़ी अच्छी आला किस्म की बॉलिंग की है, इसने मुझे आउट किया है, असद खुश है, पकड़ा नहीं जा रहा। लो जी हमारी पूरी टीम आउट हो चुकी है, अब इस दूसरी टीम की बारी है, अपना ख्याल रखे। उस्मान आ गया, उस्मान आ गया, ना आने वर गई है। ये देखे ये हमारा रेलू कट्टा दोनों टीम सवारी लेगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये बंदा मुनाफिक है, किसी एक टीम का नहीं है। अच्छा गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं नया मैच हमने अगला शुरू किया, पहली बार हम जीत गए हैं, ठीक है ऑफिस वाले बंदे जीत गए हैं, और ये सीन है कि इतने गंदे तरीके से आ रहे हैं ना ये लोग, इतने गंदे तरीके से, कह रहे थे 30 भी नहीं होना और लास्ट बॉल पे 4-3 था, फैजी भी ने छक्का मार के जितवाया। की हो गया तेनू यार, गेम बहुत एंड लेवल की फंसी थी, मैं और फैजी भाई थे, मैंने 2 चौके मारे हैं, 4 वाइडें हुई हैं, आवर चेंज हो गया, सद भाई से जैसन भी ने ले लिया आखिरी, उसके बाद पहली बॉल बीट हुई, दूसरी बीट हुई, तीसरी बीट हुई, चौथी यहाँ पे चलेगी, 2 स्कोर के लिए यहाँ पे, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे गई, उसके बाद 2 पे 4 लगते थे, 1 फिर बीट होगी, एंड पे 4 चीज था, मुझे लगा था नहीं होगा लेकिन छक्का हो गया। ओ यार केतिया बोलना नहीं तेरे को, खेल दिया जा रही उस्मान दे मेरे नहीं है।
ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂ चलो यार अगर कुछ बनता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बिगल इतना ही ओके फाइनली वी हैव टू टू बैच वन टू बैचेस एंड दिस टाइम क्रेडिट गोज टू दिस गाय ये नहीं हो रहा जूम गजब बेइज्जती है तो हैरी इज द मैन ऑफ द मैच और ये कौन चौका दिस टीम इज सो मच लुल In front of us. Oh my God. हमने ये कभी सोचा भी नहीं था ये देखें असद भाई बॉलिंग कर रहे हैं और असद भाई जितनी स्पीड हो सकती है लगा रहे हैं और ये वाले असद भाई आगे से ट्वीट बना रहे हैं ही इज ट्राइंग टू परफॉर्म बट ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल असद भाई वेडिंग कराई जा रहे हैं क्योंकि असद भाई तप गए हैं असद भाई को ये मैं आपको दो सेकंड अपना आउट करने असद भाई बॉलिंग जस्ट वाइड और ये असद भाई को गुस्सा आया हुआ उस बार पे और असद भाई उसका गलत नुकसान ही नजायज इस पे उड़ा गुस्सा असद भाई को क्योंकि आखिरी ओवर में 5-6 रह गया था मेरे ख्याल आप भी कर साफ लो सो नाउ आई हैव टू गो एंड परफॉर्म और हो गया चलें आपसे बाद मिलते हैं गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे 3-4 मैच आ गए दो और आ गए लेकिन पता नहीं मुझे कितनी हंसी आ रही है इधर से देख यार बड़ा फक सीन हुआ है ओए अच्छा सॉरी 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 सारे किला खाए हुए मैं भी एक टाइम पे खाया था लेकिन जब मैंने श्वेब को देखा ना पूरे आवर वो कह रहे हैं तो यार मन्नो के साथ टीम अजी भैया हारने के बाद बिल्कुल सीरियस हो गए हैं चलो आजा यार अजी कोई मसला नहीं क्रिकेट गया यार हाँ यार चलो यार मनाते हैं फैजी भैया गालियां खाते हैं बुढ़िया गालियां कटिया नहीं यार बढ़िया गल सब ने केला खाया हुआ शायद मुझे यहाँ पे बिलो मुझे वेलकम बैक टू सेम व्लॉग लेकिन तकरीबन व्लॉग एंड हो गया तो एंड इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ से हम तकरीबन लड़के आ गए क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं समझते क्रिकेट क्या है ना तो वो पूछ रहे थे कि हम कौन सा जंग पे निकले हुए इट्स नॉट अबाउट विन और लूज एटलीस्ट They don't know the feeling of cricket. Cricket is a feeling, emotion है cricket. उन्हें लगता है कि बैट बॉल होना बैट बॉल लेके जाके खेल लेना इस क्रिकेट क्रिकेट कभी भी बैट बॉल से खेलना क्रिकेट नहीं था क्रिकेट हमेशा ही क्रिकेट थी क्रिकेट के लिए सुबह 6 बजे फुल सर्दी में धुंध में जब कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता तो 4 बजे 6 बजे लोग 5 बजे लोग सुबह सुबह उठ के ग्राउंड के लिए जाते थे कि ग्राउंड मिल जाए हमें तो आजकल के बच्चे नहीं समझते कि सीरियसली क्रिकेट क्या है वो उन्हें लगता है कि बस बैट बॉल पकड़ा जाके खेल आए हम को था जंग पे हम जंग पे हैं हम इवन वी आर प्रेजेंटिंग आर सेल्फ कंट्री एरिया एनीथिंग डिस्ट्रिक्ट सिटी कुछ भी लाहौर और कराची वालों के कौन से कोई जंग है कोई भी नहीं सिर्फ PSL में PSL का अलकाजी हुआ ये ठीक है जो भी होता है मुझे नहीं पता अल क्लासिक्स के पता नहीं क्या कहते हैं
ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी कि आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं समझते कि क्रिकेट क्या है। हम वो लोग हैं, हम वो जनरेशन हैं बेसिकली जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, मतलब पाकिस्तान अगर मैच हार जाए तो हम रोते होते थे, मतलब या आई हैव क्राइड वंस पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था, ठीक है, इवन वी वॉन द सीरीज़ वी लॉस्ट द मैच, लास्ट मैच था 3-2 से सीरीज़ जीते थे हम। आजकल के बच्चे इमोशंस नहीं समझते। आपको क्या लगता है ये जो टीवी तोड़ने वाली बात है, ये दिस इज अबाउट इमोशंस, ये ऐसे बातें नहीं होती, ये होता होगा, हम भी बड़े पागल थे, हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट हम आज भी बड़े पागल हैं, हम आज भी क्रिकेट को वैसे ही उसी पागलपन से खेलते हैं, देखते हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन कभी भी जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, वी लॉस्ट आई एक्सेप्ट बट एटलीस्ट वी हैड टू फॉट, लड़के हारो, पाकिस्तान से हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, लड़के हारो, उसके बाद इंडिया इंडियंस जो हैं वो इंडिया से क्या चाहते हैं, लड़के हारो, ठीक है, यही फीलिंग होती है। इट्स नॉट अबाउट कि आप जंग पे निकले हुए हो, अगर आपके सिंगल विकेट है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो उसके पास तो कोई रीज़न ही नहीं होता फिर, ना टीम होती है ना कुछ, ठीक है, अगर आप सिंगल विकेट में भी हो तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, तो यू विल गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम। इमोशंस होते हैं भाई, फीलिंग्स होती हैं, तुम समझते हो कि द बेस्ट इज़ के तुम गेंद बल्ला लेके आ गए हो खेलने, चार पैसे दिए खेल लिया, ये फीलिंग्स नहीं होती, ये क्रिकेट नहीं है, हमारी साढ़े वाल चिट्टे हो गए, ठीक है, तो या वी हैव फीलिंग्स फॉर क्रिकेट, क्रिकेट एक इमोशन है, फीलिंग है, जो आजकल के लोगों के लिए शायद नहीं है, अगर होता तो तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार, हम 200 सब्सक्राइबर्स पे फिर रहे हैं बड़ी देर से, तो काइंडली सब्सक्राइबर्स के लिए ट्राई करें, इट्स बीन अराउंड अ वीक 200, 201, 207 पे गए, फिर सब्सक्राइब करो यार, क्रिकेट आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे व्हाट इज़ क्रिकेट, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कल मेरा इतना मूड फक हो गया था सुबह आते हुए कि मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने तो मैंने ये सुबह शूट कर लेता, बाय द वे आप सबके प्यार के लिए जो भी देखते हैं हमें उनका थैंक यू सो मच, बट कल चीज़ें हर्ट होती हैं इस, लेकिन चीज़ें हर्ट हों इट्स नॉट अ बिग थिंग, यू विन और यू लूज, बट एटलीस्ट यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, बेस्ट शॉट देगी हारते, रात सबसे आख एंड पे मुइज़ आउट हुआ, हमारी वाली साइड वाला मुइज़, ठीक है, बहुत ही फजूल बॉल पे आउट हुआ, डैट बॉल शुड हैव बीन अ सिक्स, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ सिक्स, सो तो जो हुआ वो आउट हो गया, ठीक है, बॉल हुआ वो नीचे बैठ गया, बॉल उसके ऊपर से चली गई, तो इट्स नॉट अबाउट के आप जीते हो या हारे हो, इट्स अबाउट कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट, डैट्स इट, डैट्स ऑल वी नीड, डैट्स ऑल वी वॉन्ट, डैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिकेट, इमोशंस फीलिंग्स यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। आजकल के बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।